पहली बार देखने को मिला। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं, जिन लोगों ने चार चार बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वो उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश वासियों के सामने, एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो हे दृश्य देखा जाता था, नौजवान कहीं जाता था नौकरी नहीं मिलती थी, यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी, किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई थी। महोदय कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है, पूरा देश अभिभूत था, पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के, और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था। ये मेरा सौभाग्य है कि उस आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से था, वहां के वातावरण को मैं समझ सकता था। 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी और 140 करोड़ का हमारा देश, कमोवेश हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व था, नेतृत्व वर्ग था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति थी, पूज्य संतों के, आचार्यों की और समाज के हर तबके की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी। अद्भुत वातावरण था, ऊर्जा से भरपूर था, और यही उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देख करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में टिप्पणी होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार बैठा कि 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी पसंद। दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरी हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी
हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। अद्भुत क्षण था। और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया। अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो। लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है वो, असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते। लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें।
उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुत्सित प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए। सदियों की प्रतीक्षा अयोध्या में दूर हुई। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 14 से 15 फ्लाइट अयोध्या से देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जा रही है। ये अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। जो अयोध्या को पहले छूना नहीं चाहते थे, आज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य और देश के चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने 9 एयरपोर्ट को क्रियाशील कर चुका है और 10 और को हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं है? प्राचीन कुंडों का पुनरोद्धार हो रहा है। भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा? पता नहीं, महाभारत को एक बार पढ़िए महाभारत। हाँ, एकदम आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। इसीलिए कह रहे ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मित कर दिया। साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कार्पेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चाचू को ही भूल गए और बेचारे चाचू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते। रामायण में सीखते या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कम, कभी कभी आपके बयान